Assalamu alaikum student, how are you? I hope that you will be fine. Dear student, आज का जो हमारा lecture है वो BA English third year जो one act play number 3 है जिसका नाम है something to talk about उसके बारे में है. तो आज हम lecture 1 में इसके जो character का introduction है वो मैं आपको दूंगा और उसके साथ जो है इस प्ले के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं लिखवाऊंगा और लेक्चर 2 में आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ठीक है ना, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो मैं लेक्चर 2 में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन. ओके जी स्टूडेंट, इसके अंदर एक जो कैरेक्टर है वो है लॉर्ड रेडचेस्टर. ओके, नंबर 2 पे है लेडी रेडचेस्टर एंड नंबर 3 पे है गाय सिडनी. और नंबर 4 पे है लेटिस सिडनी. नंबर 5 पे है बिशप. और नंबर 6 पे है जो है वो है जो कुक है इनका बटलर है उसका नाम है प्रेस्टन. ओके, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर द वुल्फ, ये बर्गलर है. ठीक है डियर स्टूडेंट, लॉर्ड रेडचेस्टर ही इज द ओनर ऑफ द हाउस एंड ही इज द हस्बैंड ऑफ लेडी रेडचेस्टर हुज नेम इज सोफी, जिसका नाम सोफी है. लॉर्ड रेडचेस्टर जो है ही इज अ वेरी रिच पर्सन एंड ही इज एरिस्टोक्रेटिक टाइप ऑफ पर्सन. लेडी रेडचेस्टर जो है वो उसकी वाइफ है. उसके बाद जो है गाय सिडनी है. गाय सिडनी ये उनका बड़ा बेटा है और लेटिस सिडनी जो है ये गाय और लेटिस जो है ये आपस में बहन भाई हैं. और दीज आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर एंड लेडी रेडचेस्टर. नेक्स्ट कम बिशप. ये बाय प्रोफेशन ही इज़ अ प्रीस्ट, वो पादरी है एंड ही इज़ अ ब्रदर ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर. वो लॉर्ड रेडचेस्टर जो है उसका भाई है. ठीक है, एंड इज़ द अंकल ऑफ गाय सिडनी एंड लेटिस सिडनी. प्रेस्टन इज़ अ फेथफुल सर्वेंट इन दिस हाउस एंड ही इज़ अ कुक बाय प्रोफेशन. ही गेव द सर्विसेज ऑफ अ कुक इन दिस सिडनी फैमिली. द वुल्फ, वुल्फ इज़ अ बर्गलर and he is a very famous notorious type of burglar all over England. His fame has been in newspapers, on TV, almost he is a very famous person. And it is said that whenever he decides to commit a robbery or theft in any house, so he can do it at any cost. कि अगर किसी के घर में रॉबरी करना चाहे तो कोई रिजिस्ट नहीं आगे से करता, यानी इतना वो एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है वो है. और लोग जो हैं वो जैसे लेट सिडनी है वो इसे काफ़ी जो है वो इम्प्रेस भी है, इसको पसंद भी करती है. ठीक है, मतलब ये कि ये मूवीज़ में इसकी कॉपी की जाती है और जो न्यूज़पेपर हैं उसके बारे में उसके अंदर इसका बड़ा जिक्र जो है वो हमें मिलता है. So these are the 7 characters working in this one act play something to talk about. Uske baad let's start important points summary type. Haan ji, iski jo hai wo important points. ये है जी के सिडनी फैमिली जो है
Sydney family is passing a very dull and boring life. कि सिडनी फैमिली जो इंग्लैंड के अंदर है, जिसमें लॉर्ड रेडचेस्टर, लेडी रेडचेस्टर है, बेसिकली ये रिलीजियस पर्सन हैं और पॉलिटिशियंस हैं, और दौलत इनके पास बहुत ज़्यादा है. दे आर रोलिंग इन वेल्थ एंड दे आर फेड अप विद देयर डेली रूटीन ऑफ लाइफ. उनकी जो डेली रूटीन ऑफ लाइफ है उससे वो फेड अप हो चुके हैं. दे आर द विक्टिम ऑफ सीवियर मोनोटनस बिकॉज दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन विच दे कैन गेट प्लेयर. कोई भी चीज़ उनको ऐसे नहीं मिलती. सारे काम वो कर चुके हैं, बड़े फेमस पॉलिटिशियन भी हैं जो है, रिलीजन में भी इनका काफ़ी हाथ है. मसलन इनका भाई जो है वो पादरी है, और दौलत इनके पास बेताशा है. तो ज़िंदगी की हर चीज़ को वो इंजॉय कर चुके हैं एंड दे हैव लेफ्ट नथिंग टू इंजॉय. उनके पास इंजॉय करने का कोई चीज़ बची नहीं है. तो दे आर पासिंग ए वेरी डल एंड बोरिंग लाइफ. दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. तो अब वो ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ उनके पास बची नहीं है जिसके बारे में वो कुछ बात करें. देर इज़ नॉट समथिंग टू टॉक अबाउट विद द सिडनी फैमिली. सिडनी फैमिली के पास जो है वो आप बात करने के लिए कुछ भी नहीं है. सो दे आर सर्चिंग फॉर, दे आर वेटिंग फॉर एनी थिंग एल्स. किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं डैट कैन मेक दैम लाफ्टर, मेक दैम लाफ्टर, उनको हंसा सके, उनकी ज़िंदगी जो है उसमें थोड़ा थ्रिल ला सके. तो खुशकिस्मती से जो है उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक जो क्रिसमस की सुबह जो एक मशहूर ज़माना जो बर्गलर है जिसका नाम है द वुल्फ, वो उनके घर में आ जाता है. क्यों? उसको पता चला है कि दे आर हैविंग ए वेरी प्रीशियस टाइप ऑफ गिफ्ट्स इन देयर हाउस, कि उनके घर में जो हैं वो बहुत से कीमती किस्म के तहाइफ हैं. लिहाजा उनको स्टील करने के लिए स्टूडेंट, उनको चोरी करने के लिए वो उनके घर में जो है वो आ जाता है. लेकिन अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग फियर्ड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड, दे स्टार्ट इंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ द वुल्फ. वो वुल्फ की जो प्रेजेंस है उसको वो इंजॉय करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट मैं इसका पॉइंट जो है वो बनाता हूँ. अ फेमस बर्गलर वुल्फ एंटर्स ट्यूडर मैनर. ये उनके हवेली का नाम है, घर का नाम है. टू कमिट रॉबरी, ठीक है ना, रॉबरी करने के लिए उनके घर में दाखिल होता है. एंड ही इज इक्विप्ड विद लेटेस्ट टाइप ऑफ वेपन्स, जो जदीर किस्म के वेपन्स हैं उनसे वो इक्विप्ड है, आरास्ता है. ठीक है, इन Instead of getting scared, the whole family starts enjoying the कंपनी ऑफ वुल्फ. बजाय इसके कि वो डरें, वो खौफ ज़्यादा हों, तो पूरे का पूरा जो ख़ानदान है वो वुल्फ की जो कंपनी है उसको इंजॉय करना शुरू कर लेते हैं. स्पेशली जो लेटर सिडनी है, डैट बिकम्स वेरी फ्री, डैट बिकम्स वेरी फ्रैंक विद वुल्फ. वो वुल्फ के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती है. वो उसका पिस्टल लेकर एक तरफ रख लेती है, उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है. और जो गाय सिडनी है वो तो उसको विस्की बना के पेश करता रहता है. और जो लेडी रेडचेस्टर है वो भी खुशी, उसकी खुशी भी काबिल दीद होती है. जो लॉर्ड रेडचेस्टर है उसकी खुशी भी काबिल दीद होती है.
ठीक है. और वुल्फ जो है ही इज़ डूइंग हिज वर्क इक्वली, ही इज़ ट्राइंग टू कट ओपन द सेफ, वो सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है. बट इन दिस केस ही इज़ बिकमिंग समवट फेल, वो फेल भी होता जा रहा है क्योंकि वो जो सेफ है वो उससे खुलती नहीं है. तो जब वो देखते हैं कि ये इससे अब ओपन नहीं हो रही है, तो दे गेव हिम द पासवर्ड डेट इज़ सोफ़ी. When the family feels that wolf is not successful in opening the safe, they प्रोवाइड, वो उसको दे देते हैं, प्रोवाइड हिम द पासवर्ड, पासवर्ड जिसका नाम है जी सोफ़ी. और सोफ़ी जो है वो इसका भी नाम है, निक नेम जो है, यानी लॉर्ड रेडचेस्टर अपनी बीवी को प्यार से सोफ़ी भी कहता है, लेडी रेडचेस्टर को वो सोफ़ी भी कहता है. तो वो सोफ़ी जो है उसी के नाम से उसने पासवर्ड लगाया होता है, लिहाजा वो वुल्फ को बता देते हैं. तो उसके बाद जो है वो सेफ वो खोलता है, तो उसके अंदर जो है वो इस किस्म के कीमती तहाइफ हैं. वुल्फ टेक्स आउट द प्रीशियस गिफ्ट, वो जो कीमती तहाइफ हैं वो बारी बारी बाहर निकालता है. उसमें क्या क्या है जी, आ डायमंड, टियारा यानी कि क्राउन जो हीरों का बना हुआ है, फॉर वो है लेटिस के लिए, ठीक है, और एक है जी डायमंड स्टडेड सिगरेट केस, सिगरेट केस विद अ चेक, फॉर गाय सिडनी, ठीक है. और उसके बाद एक स्टडेड क्रोसियर है, डायमंड स्टडेड क्रोसियर, सी आर ओ एस आई आर. स्टूडेंट, ये जो मौलवी के पास असा होता है, डंडा होता है, पादरी के पास या मौलवी के पास होता है, उसको क्रोसियर कहा जाता है. डायमंड स्टडेड क्रोसियर फॉर बिशप, बिशप के लिए एक डायमंड स्टडेड क्रोसियर है. और बाकी मैं जो है वो कोशिश करता हूँ ऊपर लिखने की, क्योंकि हो सकता है कि नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो कैमरा की रेंज में ना जा रही हूँ. मैं कोशिश करता हूँ ऊपर लिखने की. ओके स्टूडेंट, अब ये देखें कि इसमें, अच्छा, हम तहाइफ की बात कर रहे हैं. और एक नेकलेस है जी, नेकलेस फॉर लेडी रेडचेस्टर, ठीक है. अब एक बात और है स्टूडेंट, के ये जो प्ले है ये हमें ये भी बताने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ द रियल फेस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, कि एक अमीर जो ख़ानदान होता है उसकी रियल फेस क्या होता है, उसका एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली है उसका जो है वो एटीट्यूड कैसा होता है. अभी थोड़ी देर पहले तो वो जब वुल्फ आया था तो उसकी बड़ी आओ भगत कर रहे थे, बड़ा उसको वेलकम कर रहे थे, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे. लेकिन जब उन्होंने ये तहाइफ देखे और उनको ये शोर था कि अभी थोड़ी देर बाद ये ले कर चला जाएगा, तो फिर वो मुख्तलिफ जो है वो हरबे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका अंदर का जो ग्रीडनेस है
उनके अंदर का जो रियल फेस है, जो रियल मैन है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब वो उसको इमोशनल हाईजैक कर रहे हैं। दे वांट टू सेव द गिफ्ट्स, सो दे यूज डिफरेंट मेथड्स टू सेव द गिफ्ट्स गिफ्ट्स फ्राम वुल्फ। ये मुख्तलिफ किस्म की जो मेथडोलॉजी है वो लगाते हैं वुल्फ से, जो है उनके अपने जो कीमती तहाइफ है उनको बचाने के लिए, जो है मुख्तलिफ किस्म की जो मेथडोलॉजी है वो यूज़ करते हैं। लेडी रेड जस्टर जो है वो कहती है कि तुम्हारी भी ग्रैंड मदर थी, अगर वो उससे कोई ऐसी चीज़ ले जाता, नेकलेस ले जाता, तो फिर उसकी क्या हालत होती। ठीक है, जो गाय सिडनी है वो अपने तरीके इस्तेमाल कर रहा है, लेटस अपने मेथडोलॉजी पे अमल कर रही है, और मसला हल कर दिया उस बिशप भाई ने, पादरी ने, कि पादरी का ये काम होता है लोगों को राह रास्त पर लाना, जो चर्च के अंदर होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, लोगों को टू टेल द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ईवल टू द कॉमन पीपल, आम लोगों को अच्छाई और बुराई में जो तमीज़ है, जो फ़र्क है, उसका बताना ये पादरी का, प्रीस्ट का काम होता है। और वो जो प्रीस्ट साहिब हैं वो अपने तहाइफ बचाने के लिए, अपने तोहफे बचाने के लिए वो एक गलत बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि उसको कहते हैं कि ही यूजेस हिज ब्रेन, बिशप जो है ना, बिशप जो है ही यूजेस हिज ब्रेन, वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, और कहता है कि हमारे जो पड़ोस में लॉर्ड वेलाबाई फैमिली आई है, दे आर वेरी रिच पर्सन, वो बड़े अमीर आदमी हैं, तो आज रात का खाना खाने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। जब वो हमारे पास आएंगे तो हम उनके साथ गप्पे शप्पे लगाएंगे, तो उनका जो स्टे है उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, तो वुल्फ भाई आप उतनी देर में उनके घर में चोरी कर लेना, क्योंकि उनके घर में जो है वो प्लांटिनम, पता नहीं क्या क्या, सोने से भी कीमती धातें पड़ी हुई हैं। तो वो वुल्फ उनकी बातों में आ जाता है, तो पादरी की, प्रीस्ट की बात मानकर वो चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो फिर सारे खुश होते हैं और कहका लगाते हैं, आह हा हा, वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ तो मिला है। ठीक है, एट एंड बिशप यूजेस हिज ब्रेन एंड ही इज सक्सेसफुल इन सेविंग द गिफ्ट्स को सेव करने में वो कामयाब रहता है। अब वो ट्रंप कार्ड क्या है जी, कि लॉर्ड जो वेलाबाई फैमिली है उनको वो दावत देंगे, और उनकी अदम मौजूदगी में वुल्फ से कहते हैं कि आप उनके घर में डाका मार लीजिएगा, रॉबरी कर लीजिएगा। तो ये इस वादे पे वो जो वुल्फ है वो वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है, when wolf goes away the whole family laughs and says something to talk about, so this is something to talk about. I hope that you enjoy this lecture. So student, mujhe ijazat dijiyega. Allah Hafiz.